हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बिना गैस जलाए, बिना मावा, बिना चाशनी के लड्डू, और वो भी बहुत ही टेस्टी, खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो आप भी बनाएं इसी तरह से और मिनटों में बन जाते हैं फटाफट से। तो ये देखिए, ये मैंने नारियल का बुरूदा ले लिया है, ये देखें बाज़ार में आसानी से मिल जाता है ये। तो इस एक प्लेट भर के मैंने ये लिया है और चीनी ले ली है इसकी आधी। तो ये फुल है भरकर और ये इसकी आधी चीनी है, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ों की हमें ज़रूरत भी नहीं होती है और बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। तो हम इसे मिक्सी में डालेंगे, देखिए चीनी और ये दोनों ही चीज़ें इसमें हमें डाल देनी है, और तीन इलायची इन्हें भी हमें इसमें डाल देनी है, और अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं इसे। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से चला लिया है, चीनी पिस गई है और इलायची भी बिल्कुल पिस गई है। तो इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए इसे हमने निकाल लिया है, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा दूध डालेंगे, एकदम थोड़ा सा, और फिर इसे मिक्स करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा डाला है मैंने, फिर थोड़ा सा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें मैंने 4 से 5 चम्मच दूध के डाल दिए हैं, ये देखिए, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये देखिए इस तरह से पूरा सिमट गया है, और लगभग 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें दूध डाला है, थोड़ा थोड़ा कर, ठीक है। तो अब इसके हम लड्डू बना लेते हैं, जितने बड़े आपको चाहिए ऐसे दबा कर। इस तरह लड्डू बना लेते हैं, तो सभी के इसी तरह से हम बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं और ये मैंने गार्निश कर दिए हैं काजू से। तो आप ये फटाफट से अभी भी खा सकते हैं, नहीं तो आप फ्रिज में ठंडा करके खाएं इन्हें, और ये 1 हफ्ते तक खराब नहीं होंगे। तो आप इस तरह बना के 1 हफ्ते तक रख सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी खाने में होते हैं, और बिना गैस जलाए और बिना चाशनी, बिना मावा के ये मैंने लड्डू बनाए हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले।